मैं नितिन तिवारी, शहर प्रमुख शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे। हम तहसील के पुलिस स्टेशन में आए हैं, नागपुर स्थित तहसील पुलिस स्टेशन में। कल ट्रैफिक विभाग द्वारा, नागपुर के ट्रैफिक विभाग द्वारा जो पिकअप वैन रहती है, जो रास्तों में खड़ी रहती है टू व्हीलर उठाने के लिए, कल दिनांक 12 मार्च को शाम 7 बजे तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले नंगा पुतला परिसर में कुछ ठेकेदार पद्धति में ट्रैफिक विभाग ने, नागपुर पुलिस के ट्रैफिक विभाग ने ठेकेदारों को दे दिया है। वो लोग अपनी गाड़ियां लगाते हैं और पुलिस कर्मचारी की उपस्थिति में गाड़ियां उठाई जाती है जो नो पार्किंग या बाकी जगह होती है। कल एक प्रकरण ऐसा घटा कि नंगे पुतले के ऊपर एक गाड़ी खड़ी थी, मालक वहां बगल में खड़ा था, तीन मुस्कंडे जवान जो ठेकेदार पद्धति में काम कर रहे हैं, लाल टी शर्ट पहन के, वो पिकअप वैन से, पुलिस की ट्रैफिक पुलिस की पिकअप वैन से उतरते हैं। कॉटन मार्केट का जो पुलिस ट्रैफिक विभाग है उसकी पिकअप वैन से उतरते हैं और जब वो अपनी गाड़ी के पास आ जाता है, फिर भी जबरन उसकी गाड़ी छीनने का प्रयास होता है। वो रिक्वेस्ट करता है उस वीडियो में, मैं इस वीडियो के बाद वो वीडियो डाल रहा हूं, उसको बुरी तरह से मारपीट की जाती है। जो लोग मोबाइल बना रहे होते हैं उनके मोबाइल छीने जाते हैं। एक दहशतगर्दी एक बार नहीं, तीन तीन बार उसको गिरा के मारा जाता है। मुझे ये बताइए, पुलिस इन लड़कों को, इन मुस्कंडों को, इन क्रिमिनलों को, इन असामाजिक तत्वों को ये अधिकार किसने दिया है? और सबसे बड़ा ताजुब है कि रामचंद्र नामक एक पुलिस अधिकारी जो ट्रैफिक विभाग का उस ड्यूटी पे था, वो ये सब देख के भी अनदेखा कर रहा है, जो कि उसका काम था कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना। आज हम आदरणीय विनायक साहब के पास आए थे, पुलिस निरीक्षक है इस तहसील थाने के, उनको हमने कंप्लेंट की और उन पर गुनाह दाखिल करने को बोला। और ये जो ठेकेदार कंपनियां नागपुर की जो वसूली कर रही है पिकअप वैन के द्वारा, ये ठेकेदार पद्धति बंद होना चाहिए। और इनके पुलिस वेरिफिकेशन कितने लड़कों के, क्योंकि क्रिमिनल है ये। कल हम आदरणीय सिंगल साहब से भी मिलने वाले हैं, पुलिस कमिश्नर साहब से भी मिलने वाले हैं। ये वाकया बहुत खतरनाक है, गुंडागिरी और दहशतगर्दी को नागपुर में स्थान नहीं है। हमारे टैक्स के पैसों से चलने वाली व्यवस्था में जनता मार नहीं खाएगी इन मुस्कंडों से, इन दहशतगर्दों से, वो भी ट्रैफिक पुलिस की प्रोटेक्शन में। और कॉटन मार्केट की पुलिस साथ में वहां पे थी, ट्रैफिक विभाग, कॉटन मार्केट का जो ट्रैफिक विभाग था। मैं अनुरोध करता हूं यहां जज और साहब ने, यहां PI पुलिस निरीक्षक साहब ने, आज हम पूरी टीम के साथ आए थे, उन्होंने इन पे कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कल हम CP साहब से मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।